बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। नीट में तो पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इसके बिना क्वेश्चन पेपर में नहीं बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, अब ये किसमें किसमें होता है बच्चों? ये प्राइमेट्स में, जैसे ह्यूमन, एप, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, लिमेलोरिस और टॉर्सियस, इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? ये तो कुछ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस होता है इसमें, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक एवरेज ड्यूरेशन कितना है इसका? 28 डेज। अब इसको, इसके फेजेस को समझने से पहले इसको फिगर समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो साइक्लिक इवेंट्स हैं, इसमें दो और इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। पहला ओवरी, ओवरी में होने वाले जो चेंजेस होते हैं इनको कहते हैं ओवेरियन इवेंट्स, और दूसरा ऑर्गन है यूट्रस। यूट्रिन के अंदर होने वाले जो चेंजेस होते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उनको कहते हैं यूट्रिन इवेंट्स। ये दो ऑर्गन। अब हार्मोन्स देखें तो ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, जो कि फॉलिकल से सिक्रीट होने वाला हार्मोन्स, ग्रेप जो मेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, इनसे सिक्रीट होने वाला हार्मोन इस्ट्रोजन, स्टेडियोल्स, और कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होने वाला हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन, स्टेडियोल भी सिक्रीट होता है। ये ओवरी के हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके भी हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, जिनका नाम है LH और FSH, यानी ये हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल कैसे कम ज्यादा होता है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हर बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना है बच्चों। शुरुआत देखिए, हम करेंगे शुरुआत करेंगे हम यहां से, जब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो GnRH सिक्रीट करता है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस, जब ये रिलीज होता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH सिक्रीट करती है, और फिर आगे का LH और FSH की, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टारगेट करता है ओवरी को, और ओवरी में फॉलिकल मेच्योर होना शुरू होता है। तो पहला शुरू कहां से खेल शुरू होता है? खेल शुरू होता है ये जब स्टिमुलेट करता है इस्ट्रोजन का, स्टेडियोल का हाई लेवल हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव स्टिमुलस देता है, यानी तब GnRH निकलना शुरू हो गया। यहां पर एक बात और ये भी ध्यान रखना कि स्टेडियोल और प्रोजेस्टेरॉन जब दोनों का हाई लेवल होगा तो ये निगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस, यानी GnRH नहीं निकलेगा, आगे का साइकिल रुकेगा। केवल अगर एस्ट्रेडियोल है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को निगेटिव फीडबैक देता है, यानी FSH LH नहीं निकलेगा, आगे का साइकिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, फॉलिकल मेच्योर नहीं होगा। ये हार्मोन्स का लेवल, इस बात को, ये ब्लॉक को दिमाग में रखिएगा। तो बात देखिए, यहां से शुरू करते हैं कि जब हाई लेवल एस्ट्रेडियोल का हुआ तो पॉजिटिव स्टिमुलस दिया हाइपोथैलेमस को, GnRH निकलना शुरू हो गया, अब एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH निकलना शुरू हो गया। इंटीरियर पिट्यूटरी से FSH जब ये ब्लड में बढ़ा
और एलएच भी बढ़ा, तो एफएसएच पहले काम किया। एफएसएस ने किस पे काम किया? एफएसएस ने जैसे एफएसएस का लेवल बढ़ा वैसे ही ये और एलएच दोनों का, दोनों ही हार्मोन आए और दोनों से एफएसएच और एलएच इन्होंने स्टिमुलेट किया फॉलिकल को ग्रो कराने में। एफएसएच और एलएच ने फॉलिकल को किसमें ग्रो कराया, धीरे धीरे ये फॉलिकल देखो ग्रो हो रहे, ग्रोइंग फॉलिकल, यानी ये प्राइमरी फॉलिकल तो थे इसमें अरेस्टेड थी प्रोफेज फेज में, है ना, और वो मियोसिस पूरा हुआ, मियोसिस हुआ, पहला मियोसिस पूरा हो गया। अब ये मियोसिस पूरा होकर के ये फॉलिकल मेच्योर हो रहा है, देखिए यहां तक मेच्योर होकर के आ गया। अब सेकेंड जो मियोस्टिक सेकेंड डिवीजन है वो उसकी मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो गया, यानी जो मियोसिस अरेस्टेड था वो मियोसिस यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा हो गया मियोसिस 1, और मियोसिस 2 में अरेस्टेड है ये सेल। ये तो इस फेज को अब हमने ओवरी के रेफरेंस में बोला, तो इसको बोला फॉलिकुलर फेज। क्या बोला इसको? फॉलिकुलर फेज। इसके बाद जब फॉलिकल फॉलिकल मेच्योर हुआ तो ये फॉलिकल की सेल्स ने सिक्रीट किया एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल। अब जब इसका लेवल इंक्रीज हुआ, एस्ट्रेडियोल का लेवल इंक्रीज किया धीरे धीरे, तो एस्ट्रेडियोल, इस एस्ट्रेडियोल का ये लेवल देखिए बढ़ने लगा। जैसे जैसे एस्ट्रेडियोल का देखिए लेवल बढ़ा, ये एस्ट्रेडियोल का लेवल बढ़ रहा है, तो एस्ट्रेडियोल का लेवल जब बढ़ा तो इस्ट्रोजन का अब इस लेवल की वजह से एलएच का लेवल बहुत तेजी से बढ़ गया। ये देखो एलएच का लेवल, अगर इस लाइन को देखो बहुत ध्यान से तो देखो ये पीक पहले पहुंची, जो एलएच ये इस्ट्रोजन की पीक है, ये स्ट्रेडियोल की पीक है, ये पहले पहुंची और एलएच की पीक थोड़ा बाद में पहुंच रही है, डिले हो रही है, क्योंकि ये पीक जब पहुंचेगी तो एलएच का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा, शार्प इंक्रीज इन द एलएच लेवल। और जैसे ही एलएच लेवल बढ़ा वैसे ही इसको बोलते हैं एलएच सर्ज, ये ट्रिगर द ओवल्यूशन, ग्रेफियन फॉलिकल को रैप्चर कर दिया, ओवल्यूशन हो गया, दिस फेज इज कॉल्ड ओवल्यूशन। और जैसे ही ओवल्यूशन हो गया, ये ओवुलेटरी फेज हो गई, ओवल्यूशन हो गया तो अब बन गया क्या, ये जो बचा हुआ कचड़ा था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉलिकल्स था बच्चों, वो बन गया, उसको बोलते हैं येलो कलर का, ये बन गया कार्पस ल्यूटियम। ये खुद हार्मोन सिक्रीट करता है, ये इसने अब जिस फेज जो कार्पस ल्यूटियम बनने लगा इसको बोला ल्यूटियल फेज। कार्पस ल्यूटियम बनने लगा उसको क्या बोला? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल कार्पस ल्यूटियम ने सिक्रीट किया प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा सिक्रीट करता है, एस्ट्रेडियोल भी सिक्रीट किया इसने। इससे जब ये दोनों लेवल देखे बढ़ा हुआ है फॉलिक ओवरी के, ये दोनों हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन अलग अलग कलर में है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये लेवल बढ़ा एंड्रोमेट्रियम की वॉल प्रोलिफरेट किया, ये थिकनिंग बढ़ गई, सिक्रीट हो गई, बहुत ज्यादा थिक हो गई एंड्रोमेट्रियम, और इस फेज को क्या बोला? सिक्रेटरी फेज। इस वो फेज को क्या बोला? सेक्रेटरी फेज। अब जैसे ही ये फिर अब क्या हुआ कि अगर ओवुलेशन ओवम फर्टिलाइज हो गया तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा यहां, ओवम नहीं फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा? ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा। और फिर देखो ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल, स्ट्रेडियोल का लेवल धीरे धीरे कम हुआ, और जैसे ही स्ट्रेडियोल का लेवल कम हुआ ये देखो फिर से इधर पीछे देखो नेक्स्ट साइकिल ये बिगिन हो जाएगी, यानी एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। जब तक ये एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक हुआ है यूट्रिन इवेंट्स में, मेंसुरल फ्लो फेज इसको बोलते हैं, फिर एंडोमेट्रियम की वॉल मेच्योर हुआ ये 14th डे तक, इसको प्रोलिफेरेटिव फेज, फिर और थिकनिंग इसमें बढ़ी, सिक्रीट हुई ग्लैंड्स,
इसकी ब्लड वेसल्स की सप्लाई बढ़ी। इसको कहते हैं सेक्रेटरी फेज, यानी यूटरिन इवेंट्स को तीन में डिवाइड कर सकते हो, मेंसुरल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। जबकि यूटरिन ओवेरियन इवेंट्स को भी तीन में डिवाइड कर सकते हो, फॉलिकुलर फेज, फिर ये ओवुलेशन और उसके बाद फिर ये ल्यूटियल फेज। ओके, अब देखो बच्चों, आप इसी को, इसी बात को समझें। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, इट अकर्स ड्यू टू, मेंस्ट्रुअल फेज क्यों हुआ, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखो मेंस्ट्रुअल फेज यहां से हुआ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है तभी ये मेंस्ट्रुअल फेज होगा। ओके, दोनों का, केवल एक का नहीं, दोनों का। रिप्रेजेंट डिस्चार्ज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, इट आल्सो कॉल्ड मेंसेस, मेंसेस भी कहते हैं। ब्लड विच कंटेन्स ब्लड सेल्स, हाई अमाउंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स होती है, क्लॉट्स, डेब्रिस, म्यूकस एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम, लास्ट फॉर 3 to 5 days, ये तक चलती है। ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम इसको बोलते हैं। अब दूसरी फेज जो आई उसको क्या बोला आपने, फॉलिकुलर। फॉलिकुलर फेज किसको रेफरेंस में बोला, हाँ किसकी फेज रेफरेंस में बोला, किसके फॉलिकुलर फेज किसके रेफरेंस में बोला बच्चों, अरे भाई बताओ ना, फॉलिकुलर फेज, हाँ फॉलिकुलर फेज, बिल्कुल सही, फॉलिकुलर फेज बोला, ग्रेफियन फॉलिकल से लिया गया, ग्रेफियन फॉलिकल कहाँ, ओवरी में, यानी फॉलिकुलर फेज बोला ओवेरियन इवेंट। और प्रोलिफेरेटिव फेज किसके लिए, किसके रेफरेंस में नाम दिया गया है, यूट्रस के रेफरेंस में। अब फॉलिकुलर फेज में देखो क्या हुआ था, क्या हुआ था, FSH निकला था ना, कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और उसने किसको स्टिमुलेट किया, प्राइमरी फॉलिकल को, और उसने बना लिया क्या, ग्रेफियन फॉलिकल। ये तो फॉलिकुलर फेज हो गई, ठीक। अब ग्रेफियन फॉलिकल जैसे ही बना वैसे ही सिक्रीट करने, उसने सिक्रीट करना क्या शुरू कर दिया, एस्ट्रोजन, विच मेंटेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक ओवेरियन फॉलिकल। अब ये जैसे ये बढ़ा तो क्या हुआ, एंडोमेट्रियम थिकनिंग, ये देखो सेल्स मल्टीप्लाई होने लगी, और इस फेज को आपने क्या बोला, प्रोलिफेरेटिव फेज। अब आते हैं ओवुलेटरी फेज, देखो ओवुलेटरी फेज से ही 14th डे ऑफ द साइकिल, यानी साइकिल के 14th डे पे, साइकिल के किस पे, 14th डे पे साइकिल काउंट करेंगे, ये ध्यान रखना है, साइकिल काउंट करेंगे यहां से जहां से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ है, यहां से काउंट करेंगे और 14th डे पर ये ओवुलेशन, यहां पे ओवुलेशन होगा, और यहां पर अगर स्पर्म भी आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होकर के इम्प्लांटेशन हो सकता है। फिर अब देखो बच्चों, 14th डे और यहां पे क्या हुआ था, LH इंक्रीज किया विच कॉजेस ओवुलेशन, LH सर्ज जिसको बोलते हैं, ठीक। फिर अब आती थी, फिर क्या थी, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज किसके लिए था, ओवरी, ओवेरियन इवेंट, कार्पस ल्यूटियम वहां बना। सिक्रेटरी फेज किसके लिए था, ओवेरियन इवेंट, ठीक। अब ल्यूटियल फेज में देखिए क्या हुआ था, वही इम्पटी फॉलिकल जो थे ना, वो उनको क्या बोला था आपने, ये येलो कलर, कार्पस ल्यूटियम येलो बॉडी, देखो ये येलो बॉडी कार्पस ल्यूटियम बन गया, जो एम्पटी फॉलिकल थे ना, ठीक। अब इसने जो कार्पस ल्यूटियम था, इसने सिक्रीट किया क्या, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सिक्रीट किया, और इसने प्रिपरेशन शुरू कर दी किसकी, एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम यूट्रस की वाल की क्या शुरू कर दी इसने, प्रिपरेशन शुरू कर दी, ठीक। और साथ में जब प्रिपरेशन स्पीड बढ़ा दी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ने क्या बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, स्पीड अप थिकनिंग ऑफ किसकी, एंडोमेट्रियम एंड ब्लड सप्लाई।
और बच्चों अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, देखो इफ एग रिमेन अनफर्टिलाइज तो क्या होगा, तो क्या होगा, कार्पस लूटियम क्या हो जाएगी, डिजनरेट, और प्रोजेस्टॉन इस्ट्रोजन का सिक्रीशन, कार्पस लूटियम ही तो प्रोजेस्टॉन इस्ट्रोजन बनाती है भाई। अरे भाई कार्पस लूटियम ही तो, कार्पस लूटियम कैसे बनी थी, जब ये फॉलिकल रैप्चर हो गया था ना, और जो बचा हुआ ये देखो इसी से तो बना ही कार्पस लूटियम। अब देखो फिर क्या हुआ, एंडोमेट्रियम ये लाइनिंग सेट अप गिरेगी, नेक्स्ट मेन से शुरू हो गया। ठीक, अब कंपोजिशन ऑफ जो ओरल पिल्स होती हैं उनका कंपोजिशन क्या होता है, देखो ध्यान रखना है आपको कि प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन दोनों का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, इंक्रीज लेवल, बढ़ा हुआ लेवल, तो क्या नहीं होगा, ओवुलेशन, ओवुलेशन कंपोजिशन, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन विच प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होगा। शुरुआत में ही देखो आपसे बोला था हमने, शुरुआत में यहां पे देखो लिखा है इनहिबिट कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक, कहानी यहीं से शुरू हो गई, हाइपोथैलेमस इज नेगेटिव, जीएनआरएचएस और फिर एलएच एफएसएच सब यही नहीं सीक्रेट होंगे, एफएसएच और एलएच नहीं सीक्रेट होंगे, तो आगे का ये मेच्योरी नहीं होगा, ओवुलेशन हो गई नहीं ना, समझ रहे बेटा ये बात, इसलिए इसको दिमाग में बैठा लेना है ना। देखिए अब ये कब से शुरू करेंगे, फिफ्थ डे ऑफ मेंसुरल साइकिल अप टू कब तक, अप टू 23rd डे तक। क्यों, देखो वो इसलिए क्योंकि यहां से देखो ये फिफ्थ डे का मतलब यहां से जब लेना शुरू करेंगे तो एफएसएच एलएच का लेवल ये यहीं पर ये बढ़ना शुरू होगा, एफएसएच जो प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजन इनका लेवल बढ़ा देंगे, यानी इनका लेवल बढ़ा देंगे तो ये कंडीशन में पहुंच जाएगा, और ये कंडीशन में पहुंच जाएगा तो इस कंडीशन में पहुंच जाएगा तो ओवरी को ये लगेगा कि अब मेच्योर नहीं होना है, एग को रिलीज नहीं होना है, क्योंकि ये ओवरी कंफ्यूज कर जाती है, प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ा हुआ है ओवरी कंफ्यूज कर जाती है और ओवम रिलीज नहीं करती है, बस यही खेल है। 23rd डेज तक यहां तक लेंगे और उसके बाद फिर रोक देंगे, जैसे ही रोक देंगे वैसे ही फिर ये अपने आप कम हो जाएगा लेवल, अपने आप कम हो जाएगा, और ये काम होता है, ये जो ओरल पिल्स होती है ये इनका इस तरह से काम होता है। बच्चों एक बच्चों ये तो था मेंसुरल साइकिल, और इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको याद करिएगा, और आप लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन।